नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सावधान, गुमला में चलने वाले विकास योजना में घोटाला और गड़बड़ियों का बड़ा झोल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लगभग 18 लाख में विकास के नाम पर जिला प्रशासन के नाक के नीचे चलने वाले अंचल और ब्लॉक मरम्मती कार्यों में घपले और घोटाले की। उक्त मरम्मत कार्य में घोर अनियमितता बरतने का मामला प्रकाश में आया है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित अंचल और ब्लॉक कार्यालय मरम्मती कार्य लगभग 18 लाख की लागत से चल रहा है। कार्य भी समाप्ति की ओर है, लेकिन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर संवेदन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की खुलकर धज्जियां उड़ा दी है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा उबल रहा है। निर्माण कार्य के पूर्ण होते ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों की लागत में बनने वाले प्रखंड वंचल कार्यालय का मरम्मती कार्य में किस तरह का गुणवत्ता का धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुमला जिला मजदूर संघ के नेता जुम्मन खान ने प्रखंड प्रशासन पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है एवं कहा कि प्रशासन और संवेदक इस्तियाक उर्फ बंटी की मिलीभगत से अंचल और ब्लॉक कार्यालय का मरम्मती कार्य में घोर अनियमितता बरतती जा रही है। इसके तहत अंचल एवं ब्लॉक कार्यालय का मनरेगा भवन, ब्लॉक ऑफिस, समृद्धि भवन, फेवर ब्लॉक एवं शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें गुणवत्ता की धज्जियां खुलकर उड़ाई जा रही है, तो जिला से लेकर प्रखंड प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? उक्त निर्माण कार्य में संबंधित संवेदक के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य कर पैसे की बंदरबांट की जा रही है। मजदूर नेता जुम्मन खान ने कहा कि तत्काल इस पर जिले की उपायुक्त रोक नहीं लगाते हैं तो वह मजदूरों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विभागीय मंत्री व विभागीय सचिव से मिलकर लिखित आवेदन देते हुए उक्त कार्य की उच्च स्तरीय जांच करेंगे। मजदूर नेता ने जीएन भारत से बात करते हुए यह भी बताया कि जब जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का सरकारी पैसे का बंदरवाड़ का खेल चल रहा है तो गांव में विकास योजना की स्थिति क्या होगी। विरोध करती है और इसका अगर सही से जांच नहीं किया गया या सही से इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो 3 तारीख से हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे। कितने दिनों पहले रिपेयरिंग का कार्य समाप्त हुआ? ये रिपेयरिंग का काम लगभग 4 दिन पहले समाप्त हुआ है। 4 दिन पहले समाप्त हुआ है। ना फर्श में काम हुई है और ना ही छत का काम हुई है, सिर्फ पेंट कर दिया गया है और पानी सीपेज हो रही है। हमें सूचना मिली, हमने यहाँ पर आया, देखा, जो देखा वो देख के हम खुद अचंभित हैं कि एक BDO महोदया का कार्यालय, CEO का कार्यालय यहाँ पे है और उनके निगरानी में होने वाला काम इतनी बड़ी घोर अनियमितता, तो इससे साफ कहा जा सकता है कि सभी पदाधिकारियों का मिली जुली का ये नतीजा है। हम इस पर माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय अनुमंडल सह दंड अधिकारी महोदय और जितने भी पदाधिकारी हैं जिला के उन तक भी बात करेंगे और इसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे और इस पर कार्रवाई नहीं होती है और जो संवेदक है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो काम देने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई हो। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम है मोहम्मद इश्तियाक उर्फ बंटी, ये टोटो निवासी हैं। इन लोगों के द्वारा बहुत सा ऐसा भी और भी मामला हमने उठाया था कि टोटो क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं सभी काम में फर्जी ग्राम सभा बनाकर और काम उन लोगों को निर्गत कराया जाता है। ये लगातार शिकायत पब्लिक का भी आई है लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। हमने जांच का भी आदेश दिया था पूर्व में भी लेकिन उस पर जांच नहीं हुआ। इधर उस संबंध में संवेदक इश्तियाक उर्फ बंटी से बात करने पर उन्होंने कहा कि कार्यों में त्रुटि हुई है तो उसे सुधार किया जाएगा।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।